कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व कर्मचारी रहे क्रिस्टोफर विली के नए खुलासे ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। विली ने खुलासा किया है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कांग्रेस के लिए भी काम किया था। उन्होंने कहा कि भारत में उसका एक ऑफिस भी था। बयान देते हुए विली ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ काम करने वाली पार्टियों का नाम लेते हुए भारत की कांग्रेस पार्टी का भी नाम लिया है। विली के अनुसार उसे पूरा विश्वास है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका की एक क्लाइंट कांग्रेस भी थी। विली ने कहा कि कंपनी ने कांग्रेस पार्टी के लिए हर तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया है। विली के इस खुलासे के बाद केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विली के इस खुलासे से साबित हो गया है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खुल गई है। कांग्रेस पार्टी अब चुनाव जीतने के लिए डेटा के मैनिपुलेशन ऑफ थेफ्ट पे निर्भर करेगी। विल कांग्रेस पार्टी नाउ डिपेंड अपॉन डेटा मैनिपुलेशन एंड थेफ्ट टू वू वोटर्स? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि मैंने 6-6 रिपोर्ट पढ़ दिया, अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया है कि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका से बातचीत नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी का दूसरा सवाल हमारा ये है कि जिस तरह के रास्तों को वो अपनाते हैं, सेक्स स्लीव एंड फेक न्यूज, क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के वोटरों को प्रभावित करने के लिए इनके माध्यम से वही रास्ते अपनाने जा रही? क्योंकि उन्होंने बकायदे उसको ओन अप किया है कि हम ये करते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल एक तीसरा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्रोफाइल में क्या प्रेजेंस है? लेट मिस्टर राहुल गांधी एक्सप्लेन, ऑफ लेट ही इज क्वाइट एक्टिव इन द सोशल मीडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका इन द सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑफ राहुल गांधी? प्रसाद ने कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस उसकी क्लाइंट रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसी कंपनी की मदद ली जो मतदाताओं को प्रभावित कर रही थी। इसके लिए अब कांग्रेस और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।